तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार जो कि अपनी हर एक मूवी में काम करने का 500 और 150 करोड़ तक की फीस लेते थे, लेकिन आज के टाइम में उनकी एक के बाद एक मूवी फ्लॉप होने के कारण और बॉयकॉट ट्रेंड के चलते उन्होंने अपनी फीस को 50% तक कम कर दिया है। नंबर 1 पे है टाइगर। हाँ, इस नाम का पहले बिस्किट भी आता था और वो भी दमदार था, लेकिन टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 देखने के बाद लोगों को ये विश्वास हो गया कि जितना दिमाग लोग सुई के छेद में धागा डालने में लगाते हैं, उससे भी कम दिमाग ये हीरो फिल्म सिलेक्ट करने में लगाता है। मतलब कि यार, तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी है, डांस और एक्शन भी अच्छा कर लेते हो, लेकिन फिर भी ऐसी मूवी को सिलेक्ट करके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मार लेते हो? भाई, जॉन इब्राहिम जो कि सत्यमेव जयते 2 और अटैक के फ्लॉप होने के बाद इनकी भी ब्रांड वैल्यू कम हो गई है और पठान मूवी में इनकी फीस केवल 20 करोड़ ही रह गई। इसके बाद अक्षय कुमार जो कि साल भर में इतने तो महीने नहीं होते हैं, उससे ज्यादा इनकी मूवी आ जाती है और इस साल इनकी 5 मूवी आई जिसमें कि 4 बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। भाई, राम सेतु ने इनकी डूबती नैया को पार लगा दिया, वरना साल भर में 5 फिल्में फ्लॉप देने का रिकॉर्ड इनके नाम होता और 4 फिल्में फ्लॉप देने के बाद इन्होंने भी अपनी फीस को कम कर दिया।